हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इन योर हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास 12 की पॉलिटिकल थ्योरी और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 5, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन में हमें तीन क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद अगला कौन लीडर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा माना जा रहा था, डर डर लग रहा था लोगों को कि नेहरू जी के बाद क्या होगा, कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और हम लोग आर्मी के अंदर रूल करने लगेंगे। और तीसरा क्वेश्चन था, क्या न्यू लीडरशिप जो नेहरू जी के बाद आएंगी वो जो है सोल्यूशन अच्छा दे पाएगी, सही तरीके से कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो पहला क्वेश्चन था कि जो हम लोग बोल रहे थे कि नेहरू जी के बाद कौन होगा, तो जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है मई 1964 में, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आने लगा था कि कौन होगा इनके बाद। दूसरा क्वेश्चन ये आने लगा था कि कुछ लोग डाउट करने लगे थे कि हो सकता है कि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी छोड़ के आर्मी के अंदर कंट्रोल होने लगे, तो इसका भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठने लगा था। और तीसरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि 1960s में बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजेस देखने को मिले थे, जो सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस है जैसे कि पॉवर्टी, अनइक्वालिटी, ये सब जो है चल ही रहा था। और इसके अलावा हमें याद है इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस में हमने देखा था 1965 से वॉर भी होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। 1962 में वॉर हुआ था, 1965 में वॉर हुआ था, 1971 में भी वॉर हुआ था, तो ये सब बहुत चैलेंजिंग टाइम था। तो ये तीन क्वेश्चंस उभर के आने लगे थे, हु आफ्टर नेहरू, ठीक है, और ऐसा तो नहीं होगा कि कोई नेहरू जी के बाद डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, और तीसरा है कि क्या न्यू लीडरशिप जो आएगी वो इस क्राइसिस को झेल पाएगी, सोल्यूशन दे पाएगी या नहीं। तो जो तीन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे लोगों को, वो आसानी से दूर हो गए जब फ्रॉम नेहरू तो शास्त्री हुआ, ठीक है। तो ये जब सक्सेशन हुआ था तो सारे क्रिटिक्स को रॉन्ग साबित कर दिया गया था। तो जो कांग्रेस पार्टी के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे के कमराज, उन्होंने एक डिस्कशन रखा और लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो यूनानिमसली चूज किए गए एज दी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यूनानिमसली मतलब कि पूरी तरीके से सब लोगों ने सपोर्ट दिखाया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री जो थे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, ठीक है, और नेहरू जी के कैबिनेट में भी बहुत टाइम उन्होंने काम किया था। उनका टर्म बहुत छोटा सा रहा था 1964 से 66 में। अब इनका जो टर्म है अगर आपको याद होगा तो 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ था, ठीक है, तो उस वॉर की वजह से इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन इनको झेलना पड़ा था। और इसके अलावा जो बाकी के जो थे, फेल्ड मानसून ड्रॉट, सीरियस फूड क्राइसिस, ये सब एक बड़ा चैलेंज था ही। तो इनके टर्म में इनको दो मेजर चैलेंज देखना पड़ा था, एक चाइना के साथ जो वॉर हुआ था उससे रिकवरी, और दूसरा जो मानसून फेल हुआ था उसकी वजह से जो फूड क्राइसिस हो रहा था वो। तो ये दो बड़े मेजर चैलेंज इनको देखने पड़े थे। इसके अलावा इनके टर्म में 1965 में हमें पाकिस्तान के साथ वॉर देखने को मिला है, और उससे जो है हम लोग वॉर तो जीत गए थे लेकिन उससे हमारा इकोनॉमिक स्लोडाउन और ज़्यादा होने लगा था। शास्त्री जी का फेमस जय जवान जय किसान जो है वो जो है इस कंट्री को सिंबलाइज कर रहा था कि इस चैलेंज से कैसे हम लोग निकलेंगे, मतलब कि फूड क्राइसिस का जो चैलेंज है उससे हम लोग कैसे निकल सकते हैं। शास्त्री जी का जो टर्म है वो अब्रप्टली ख़त्म हो गया था क्योंकि उनकी सडनली डेथ हो गई थी तशकंत में, ठीक है, जो कि कैपिटल है उज़्बेकिस्तान में, और उस टाइम वो यूएसएसआर में था, ठीक है। तो ये था नेहरू टू शास्त्री जी। शास्त्री जी के डेथ के बाद क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ ही साल में फिर से एक सक्सेशन का सामना करना पड़ता है, पॉलिटिकल सक्सेशन का एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। इस टाइम होता है बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। तो मोरारजी देसाई जो थे वो थे एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे, ठीक है, जो कि उस टाइम का महाराष्ट्र और गुजरात एक टाइम था, और वो कैबिनेट के मिनिस्टर भी रह चुके थे। और इंदिरा गांधी थी वो थी कांग्रेस की प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थी शास्त्री जी के टाइम पे। अब इन दोनों के बीच जो है डिसाइड करना था कांग्रेस के लोगों को कि कौन है हमारा नेक्स्ट लीडर। तो इस टाइम जो है जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने डिसाइड किया कि इंदिरा गांधी को बैक किया जाए। लेकिन जैसे शास्त्री जी के टाइम पे पूरी तरह से यूनानिमस था, इसमें पूरी तरह से यूनानिमस नहीं था, ठीक है, मतलब सारे लोग एकदम नहीं चाह रहे थे, ठीक है, दोनों में एक तरीके से हो रहा था, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे इनको, कुछ लोग कर रहे थे इंदिरा गांधी को। तो होता क्या है कि एक सीक्रेट बैलेट होता है कांग्रेस के एमपीज का, जिसमें कि इंदिरा गांधी को 2/3 ऑफ दिस सीट मिलता है, ठीक है, 2/3 सीट मिलता है इंदिरा गांधी जी को, और वो बन जाती है हमारी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर।
अब जो इंदिरा गांधी जी बनती हैं तो उनको अगले ही साल इलेक्शन का सामना भी करना पड़ता है, और इसके अलावा जो कंट्री का इतना सारा प्रॉब्लम सिचुएशन चल रहा था उसका भी सामना करना पड़ता है। अभी जस्ट दो वॉर हो चुके थे 1962 एंड 65 में, उसकी वजह से इकनॉमी और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, फूड क्राइसिस चल ही रहा था, और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब के इश्यूज़ है वो सब भी चल रहे थे। तो किस तरीके से उन्होंने अपना काम किया ये हम लोग आगे देखेंगे। फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967, तो ये जो फोर्थ जनरल इलेक्शन था उसमें कंट्री ने बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिले थे। दो वॉर देखने को मिले, ठीक है, दो प्राइम मिनिस्टर्स की जल्दी में डेथ हो गई थी। ओके, जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी थी उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इसका। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे कंट्री में छाया हुआ था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम था, ठीक है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो रही थी, फूड शॉर्टेज था, दो वॉर्स की वजह से बहुत सारा खर्चा हुआ था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे थोड़ा सा फोकस हटने लगा था। ओके, तो सबसे पहला जो डिसीजन इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट लेती है वो करती है डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी का मतलब है, ठीक है, डिवैल्यूएट, ओके, मतलब कम कर देना इंडियन रुपी को। तो उस टाइम जो था 1 US डॉलर इज इक्वल टू होता था less than 5, मतलब 4 मान लीजिए, और इसके बाद क्या हुआ, डिवैल्यूएशन के बाद 1 डॉलर इज इक्वल टू 7 से भी ज़्यादा हो गया। तो ये इससे होगा क्या कि मान लीजिए कोई एक US का सिटीजन है, वो 1 डॉलर करता है और 4 रुपए का सामान खरीद लेता है, अब वो उसी 1 डॉलर में 7 रुपए का सामान खरीद सकता है, मतलब उसको फ़ायदा में, तो वो इंडिया से ज़्यादा सामान मंगवाएगा। तो इससे क्या होगा, डिवैल्यूएशन से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो टैक्स भी पे करेंगे और टैक्स से गवर्नमेंट का खर्चा भी निकल आएगा, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो ये जो डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी था ये पहला स्टेप था कि किस तरीके से हम लोग इकोनॉमी को सुधार सकते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन आपको पता है कितनी ख़राब हो चुकी थी, तो लोग क्या करने लगे, हड़ताल करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे कि क्यों इतना प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है, इतने अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, फूड स्कैर्सिटी क्यों है, ठीक है, बहुत सारे हड़ताल होने लगे, और उसकी वजह से जो लोग काम भी कर रहे थे उस उन लोग को भी प्रॉब्लम्स आने लगा। तो गवर्नमेंट ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स होने लगे। तो ऑपोजिशन पार्टीज भी स्ट्राइक्स का शामिल हो रही थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, वो भी इसमें शामिल हो रही थी, और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम में राइट्स भी देखने को मिल रहे थे, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इकोनॉमिक स्लोडाउन और इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलने लगी थी। नॉन कांग्रेसिज्म, नॉन कांग्रेसिज्म मतलब कि कांग्रेस के जस्ट ऑपोजिट। अब जो भी स्ट्राइक्स और हड़ताल हो रहे थे इसमें जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनका बहुत बड़ा हाथ था, ऑब्वियसली बात है, ऑपोजिशन का काम है जो रूलिंग पार्टी है उनकी खामियां को निकालना, ठीक है। तो ऑपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट और प्रेशराइज गवर्नमेंट को प्रेशर करने में बहुत ज़्यादा काम करने लगी। जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो क्या हो रहा है, कि कांग्रेस इसलिए जीत रही है क्योंकि डिविजन ऑफ वोट हो रहा है, क्योंकि हमने जितनी भी बार देखा था कांग्रेस को 45-48% ही टोटल वोट्स मिलते थे, ठीक है, बाकी वोट्स जो है वो डिवाइड हो जाते थे बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। तो अगर बाकी ये पार्टी जो एक साथ आ जाती हैं और 1 vs 1 होता है, तब जाके जो है बाकी की पार्टीज को सीट ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि जितने भी नॉन कांग्रेस थे, एंटी कांग्रेस थे, उन्होंने क्या किया कि एक साथ कोलिजन गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर, कोलिजन गवर्नमेंट नहीं, उन्होंने कोलिजन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो भी कांग्रेस के अगेंस्ट है वो लोग एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ, ठीक है। और ऑपोजिशन पार्टीज़ का ये मानना था कि इनएक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी और इंटरनल फैक्शनिज्म, जो कांग्रेस के अंदर इंटरनल फैक्शंस थे जिनका अलग आइडियोलॉजी था, ठीक है, उनको अगर हम लोग सही तरीके से एक्सप्लॉइट करें तो हम लोग कांग्रेस को हटा सकते हैं रूलिंग गवर्नमेंट से। तो जो राम मनोहर लोहिया जी थे, एक सोशलिस्ट लीडर बहुत बड़े, उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को नाम दिया नॉन कांग्रेसिज्म, मतलब कि जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, जो कि एंटी कांग्रेस हैं, जो कांग्रेस के अगेंस्ट में, वो एक साथ आ जाए और इन एक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी और इंटरनल फैक्शन ऑफ कांग्रेस को एक्सप्लॉइट करें, ताकि हम लोग, मतलब ताकि वो लोग जो है सेंटर में रूल कर सकें। और जो राम मनोहर लोहिया था, लोहिया जी थे, उन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस का रूल जो है अनडेमोक्रेटिक है और वो ऑर्डनरी पुअर पीपल के लिए नहीं है, इसलिए जो है हम लोग को कांग्रेस पार्टी को हटाना पड़ेगा ताकि डेमोक्रेसी वापस से लोगों में आ सके। तो ये था नॉन कांग्रेसिज्म। तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन है और प्रोटेस्ट भी जारी है, ठीक
ठीक है, तो इलेक्टोरल वर्डिक्ट आया था, ठीक है, इलेक्टोरल वर्डिक्ट आया लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज दोनों का, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम था कि कांग्रेस पार्टी जो है इलेक्शंस में जा रही थी विदाउट नेहरू। तो कांग्रेस पार्टी को जो है झटका लगा नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे ही, और कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने कहा कि ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी तो मिल गई, लेकिन वो सबसे लोएस्ट टैली पे थी, मतलब कि सीट्स उनको बहुत ज़्यादा कम आए थे। इंदिरा गांधी की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी उसमें बहुत सारे लीडर्स जो अपने सीट जो है हार चुके थे। कुछ बड़े नाम थे जैसे कामराज इन तमिलनाडु, एस के पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के वी सहाय इन बिहार, ठीक है। तो लोकसभा में जीत तो गई थी, ठीक है, मेजॉरिटी भी मिल गई थी, लेकिन सीट्स कम हो गए थे और इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट के मिनिस्टर बहुत सारे लोग अपना इलेक्शन हार गए थे। इसके अलावा जो कांग्रेस थी वो 7 स्टेट्स पे अपनी मेजॉरिटी खो चुकी थी, और 2 स्टेट्स में डिफेक्शन ने क्या किया था, गवर्नमेंट नहीं बनने दिया था। डिफेक्शन मतलब कि मान लीजिए कि एक लीडर है, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी से जीत के आया और जीतने के बाद क्या वो दूसरे पार्टी में चला गया, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग डिफेक्शन, और इसी को कंट्रोल करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बाद में बना था। खैर 9 स्टेट्स में जहाँ कांग्रेस ने अपना पावर लॉस्ट किया था वो था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरल। तो हुआ ये था कि इन मद्रास स्टेट एक रीजनल पार्टी बनी थी द्रविड़ मुनेत्र कजंगम डीएमके, जिनको क्लियर मेजोरिटी मिली थी। हुआ क्या था कि डीएमके को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था बिकॉज एंटी हिंदी एजिटेशन में डीएमके ने बहुत ज़्यादा हाथ बटाया था। बहुत टाइम से जो हिंदी और इंग्लिश के लिए चल रहा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन होगा, और डीएमके ने एंटी हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, तो उसकी वजह से मद्रास के एरिया में जो कि आज का तमिलनाडु है डीएमके को बहुत ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट मिला, और इसकी वजह से जो है डीएमके जो है मद्रास में तमिलनाडु में जो है आज का तमिलनाडु वहाँ पे जीत के आ जाता है, और डीएमके बनता है पहला नॉन कांग्रेस पार्टी जिसने मेजॉरिटी की जीता है किसी भी स्टेट में, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के 8 स्टेट्स थे उसमें कोलिजन गवर्नमेंट बनती है और डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज। नॉन कांग्रेसिज्म में हमने देखा था कि जितने भी एंटी कांग्रेस पार्टी थी वो एक साथ आ जाती हैं ताकि कांग्रेस को हटाया जा सके, और इसमें एक पॉपुलर सेइंग है कि अगर आप दिल्ली से हावड़ा की ट्रेन पकड़ते हो तो आपको कोई भी सिंगल कांग्रेस रूल स्टेट नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दिल्ली टू हावड़ा, तो दिल्ली टू हावड़ा करते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आपको कहीं भी कांग्रेस का रूल नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये जो 9 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो कांग्रेस गॉट मेजोरिटी 1967 असेंबली पोल्स, ठीक है, जो येलो मार्क है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो कि ऑरेंज रेड मार्क है, ठीक है, इनको मेजॉरिटी नहीं मिली है 1967 में। तो हो जाता है पंजाब, राजस्थान, ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, गोवा, ये सब में जो है आपको कांग्रेस हारती हुई नज़र आती है, और टोटल 9 स्टेट्स होते हैं जिसमें कांग्रेस अपना रूल खो देती है। उसमें से जो मद्रास का स्टेट है यहाँ पे एक रीजनल पार्टी आती है डीएमके, और वो बनती है पहली पार्टी नॉन कांग्रेस की जो मेजोरिटी के साथ किसी स्टेट में आई है। बाकी के 8 स्टेट्स में बनते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि बाकी के एंटी कांग्रेस हैं, नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं, वो मिलके बनाते हैं कोलिजन्स। तो जैसा कि मैंने बताया टोटल 8 स्टेट्स में जो है कांग्रेस जो है मतलब और हार जाती है, वहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि किसी भी पार्टी को जो है मेजोरिटी नहीं आती है तो बहुत सारे नॉन कांग्रेस पार्टीज एक साथ मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और उनको कहा जाने लगा संयुक्त विधायक दल, एसवीडी, ठीक है, इनको कहने कहने जाने लगा एसवीडी गवर्नमेंट। और इनमें एक चीज़ प्रॉब्लम ये थी कि जितनी भी कोलिशन पार्टीज थी उनका आइडियोलॉजी डिफरेंट था, उनका मोटिव ही बस सेम था कि कांग्रेस को हटाना है, लेकिन आइडियोलॉजी डिफरेंट होने की वजह से कोलिशन गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तो आ जाएगी लेकिन कुछ टाइम बाद वो सारी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। अगर हम लोग बिहार का एग्जाम्पल लें तो एसवीडी गवर्नमेंट जो थी उसमें एसएसपी थी, पीएसपी थी, ये 2 सोशलिस्ट पार्टीज थी, इसके अलावा सीपीआई थी लेफ्ट विंग में एंड जनसंघ था राइट विंग में, ठीक है। तो इतने सारी डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टीज थी जो कि सिर्फ गवर्नमेंट बनाई थी सिर्फ क्योंकि कांग्रेस को हटाना था, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट तो बना लिया लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। उसके अलावा पंजाब में भी पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जाने जाने लगा, जिसमें 2 अकाली पार्टी थी, 2 राइवल अकाली पार्टी, संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप, और इसके अलावा दोनों सीपीआई की पार्टी थी, एसएसपी थी,
रिपब्लिकन पार्टी थी एंड भारतीय जनसंघ थी। तो आप देख सकते हैं कि खासकर बिहार और पंजाब में कितनी सारी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना रही है, तो ऑब्वियस ये बात है ज़्यादा टाइम तक ये नहीं चल पाता। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारा कोलिजन और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारा डिफेक्शन, जो कि 1967 इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर रहा था। डिफेक्शन मैं बता चुका हूँ कि एक मेंबर जो है वो इलेक्शन जीत के आता है एक पर्टिकुलर पार्टी से, और इलेक्शन के बाद क्या होता है वो पार्टी चेंज कर लेता है, तो उसको कहा जाता है डिफेक्शन। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि एक आप एक पार्टी से जीत के आए, उसका एक सीट हुआ, लेकिन आप दूसरी पार्टी में चले जाते हो तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए बाद में एंटी डिफेक्शन आया था, खैर वो सब बाद की बात है। तो डिफेक्शन की वजह से तीन स्टेट्स में क्या हुआ, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, ठीक है, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसी डिफेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफेक्शन हुआ था, तो एक पॉपुलर सेइंग आया, आया राम गया राम। ठीक है, तो जो स्टोरी है आया राम गया राम, इसका कहने का मतलब है कि बार बार जो है कोई एक आदमी जो है वो अपना पार्टी चेंज करते रहता है। ठीक है, तो हुआ ओरिजिनेट हुआ था ये गया लाल का। ठीक है, गया लाल एक एमएलए थे हरियाणा में 1967 में, और इन्होंने अपने पार्टी को तीन बार चेंज किया एक फोर्टनाइट में, मतलब 14 डेज के अंदर उन्होंने तीन बार पार्टी को चेंज किया। कांग्रेस से गए वो यूनाइटेड फ्रंट में, यूनाइटेड फ्रंट से फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस से और फिर चले गए यूनाइटेड फ्रंट में। तो कांग्रेस के जो लीडर थे राव बीरेंद्र सिंह, ठीक है, उन्होंने जब देखा कि जो गया लाल थे वो आ गए हैं वापस कांग्रेस में, ठीक है, तो उन्होंने कहा गया राम हैज़ नाउ आया राम। ठीक है, तो इसी से आया आया राम गया राम, मतलब कि कोई भी एक जो लीडर है वो एक जगह नहीं रह रहा है, वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 14 डेज में ही तीन बार पार्टी को बदल लिया, तो यहाँ से एक आया आया राम गया राम। सो इस पार्ट में इतना ही, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।